उपवास की कड़ी। संजीव कपूर खजाना में आपका स्वागत है। मेरा नाम सीमा है और आज हम बनाने जा रहे हैं उपवास की कड़ी। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप दही, 1/4 कप राजगिरे का आटा, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 से 2 साबुत कश्मीरी मिर्च, 6-7 कड़ी पत्ते, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और सेंधा नमक स्वाद अनुसार। अगर आप उपवास में हल्दी खाते हैं तो आप इसमें चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं, इससे इस कड़ी का रंग बिल्कुल सामान्य कड़ी की तरह आएगा। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम दही और राजगिरे के आटे को एक बाउल में डाल देंगे, नमक, लाल मिर्च और हरी मिर्च और अदरक के पेस्ट को मिलाकर उसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें हैंड मिक्सर भी चला सकते हैं। इसमें आप करीब 3 कप पानी डालेंगे और फिर एक बार अच्छा से हिला लेंगे। अब एक पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें करीब 1 चम्मच जीरा और साबुत लाल मिर्च तोड़कर डाल दें। इसमें कड़ी पत्ता डाल दें और इस कड़ी के मिश्रण को इसमें पलट दें। क्योंकि राजगिरे की कड़ी है, इसे आपको लगातार चलाते रहना पड़ेगा। ये 10 मिनट में बन जाती है, लेकिन पर आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। हमारी कड़ी अब लगभग तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह हिला देंगे। ये कड़ी बहुत ही चटपटी है, तो व्रत की खिचड़ी के साथ या व्रत के बेसवाद खाने का मज़ा दुगना कर देती है। एक बाउल में इसे सर्व करेंगे और थोड़ा सा और हरा धनिया डालकर इसे सजा देंगे। इसे गर्मा गर्म खिचड़ी या किसी भी उपवास की चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं।